के सब माता के स्कूल नहीं गए इसको देखो तो सही है नहीं काला नहीं थोड़ा सा है तो ठीक हो जाओगे थोड़ा सा ही है क्योंकि बहुत नाटक है ना पियो सो जाओ इसके लिए दवाई तो ले दो मुझे पिछले हफ्ते बुखार हुआ था उसकी दवाई पड़ी बहुत मजा आया था उसने अरे बहुत पास करो वो सब ठीक है पर आयुष कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा है अरे हाँ आयुष आयुष बेटा बाहर आओ चाचा आया मिलने आओ बेटा आओ क्या हुआ तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही इसकी क्या बताओ कितने दिनों से खांसी बुखार बढ़ता ही जा रहा है फिर कोई ध्यान ही नहीं देता कितनी बार बोला है डॉक्टर को दिखाने चलते हैं अरे जरा इसकी तबीयत का ध्यान रखो नहीं उसको ना तो अपने काम से फुर्सत मिलती है ना तो अपने मोबाइल से तो तू जा इसके डॉक्टर के पास ले जा और आप इसका कोई इलाज चालू करवा दे आई आई कब से खांसी है इसको दो तीन हफ्ते से हो रही है अच्छा दो तीन हफ्ते हो गए इसको जल्दी पता नहीं है शुरुआत में मैंने इसे घर पे काढ़ा पिलाया और एक हफ्ते से वो कफ सिरप आते हैं वो बदल होती है वो दे रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ा और फर्क पड़ा आपको बुखार है ऐसा कुछ हुआ है और कब कब आता है शाम को रात को ऐसा कुछ शाम को मतलब शाम के टाइम बढ़ जाता है और बलगम आता है खांसते वक्त तो व्हाइट या येलो ऐसा कोई कलर का आता है मैं काम करता हूँ ये दो तीन टेस्ट लिख के देता हूँ टेस्ट के रिजल्ट्स और एक्सरे से कंफर्म हो गया कि आपके लड़के को टीबी हुआ है टीबी इतनी घबराने की बात नहीं है बहुत सीरियस ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है इसमें जो मेडिकेशंस देते हैं वो आप अगर रेगुलरली फॉलो करोगे तो ये आसानी से बराबर हो जाएगी और अभी इसका कोर्स वैसे 6 महीने का होता है और मैं आपको अभी 1 हफ्ते की ट्रीटमेंट की दवाई दे रहा हूँ आप 1 हफ्ते के बाद वो दवाई वापिस से मेरे पास आना मैं आपको एक और दो तीन कंफर्मेटरी टेस्ट भी दिख रहा हूँ 1 हफ्ते के बाद फॉलोअप के लिए आप आ जाना ठीक है ठीक है आप दवाई ले रहे हैं दवाइयाँ तो ले रहे हैं डॉक्टर साहब क्योंकि खर्चा बहुत हो गया है पूरे ये दवाइयों में इतना पैसा हो गया है कि महीने में जितना खर्चा होता था वो हफ्ते में हो गया दवाइयां भी फ्री में मिलती है अगर सारी दवाइयाँ सही समय पर ली गई हो तो सामान्य स्तर पे इस टीबी का ट्रीटमेंट का कोर्स 6 महीने तक चल सकता है और अगर आपको कोई विकृत टीबी है तो इसका कोर्स 9, 12 या 18 महीने तक चल सकता है ट्रीटमेंट के दौरान आँखों से या फिर पेशाब से केसरी या लाल रंग का पानी निकलना बहुत सामान्य बात है अगर आपको शरीर में पीलापन दिखने लगे या फिर कमजोरी बेहद ज़्यादा बढ़ जाए इसके अलावा उल्टी या पेट दर्द हो तो इसके अतिरिक्त आप नज़दीकी अस्पताल में दिखाइए इसके अतिरिक्त टीबी की सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मुफ्त प्रदान की जाती हैं और इसके अलावा पेशेंट को हर महीने 500 रुपये भी दिए जाते हैं अगर घर में दूसरे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें आइसोनियासिन का सेवन करवाना बहुत
देखिए साहब, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सारी दवाइयाँ सही समय पर ली जाएं तो ठीक हो सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ कौन? जी नमस्ते, क्या आयुष शर्मा का घर है? हाँ जी जी, मैं डॉट सेंटर से कार्य करता हूँ, क्या थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? अभी 3 महीने के बाद आयुष ने दवाई ली नहीं है, मैं जान सकती हूँ क्यों? वो उसमें ऐसा था, जी नमस्ते, ऐसा हुआ कि 1 महीने तक हमने दवाई दी तो उसको ठीक हो गया, फिर हमने सोचा आगे दवाई देने की क्या जरूरत है। और मन्नत के लिए वैसे भी बाहर गए थे तो। देखिए क्षय एक ऐसी बीमारी है कि तंदुरुस्ती आ जाने के बाद भी वो बीमारी शरीर के अंदर रह जाती है, तो अगर आयुष को 3 महीने के बाद अच्छा लग रहा था उसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी उसकी ठीक हो गई है अंदर से। मतलब वो अभी भी बीमार है? हाँ वो अभी भी बीमार है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 6 महीने का कोर्स है तो दवाई का पूरा होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा बेटा, अगर ये नहीं होगा नहीं कुछ बात, कोई बात नहीं बेटा, अभी भी टाइम है। अगर अभी तुम फिर से दवाई लेनी शुरू करोगे और कोर्स अपना पूरा कर लोगे तो एकदम ठीक हो जाओगे, पर अगर तुमने अभी भी नहीं ली तो तुम्हें बीमारी फिर से हो सकती है और वो भी ज़्यादा खतरनाक होगी, और उसके लिए जो हम दवाइयाँ देंगे उसकी साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होंगी। मैं मानती हूँ कि आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर बात। नहीं नहीं, हम समझते हैं, हम कल ही इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या इसकी वजन में कोई बदलाव आया है? हाँ वो कुछ महीनों से मतलब उसका वजन कम हो चुका है। अच्छा, बढ़ने का। आप उसे खाने में क्या क्या देती हैं? घर पे जो बनाते हैं वो भी खाता है। क्षय में ऐसा होता है कि हमें पौष्टिक खाना खिलाने की ज़रूरत ज़्यादा होती है ताकि जो शरीर है अपना वो बीमारी से लड़ सके ज़्यादा अच्छी तरह से, और इसीलिए सरकार भी हर महीने 500 रुपये देती है ताकि हम पौष्टिक खाने हैं जो वो खिला सके। और मैं मानती हूँ आपको भी हर महीने 500 रुपये मिले ही होंगे जी। तो ध्यान रखिएगा अभी से कि उसे गुड़, मूंग, चने ऐसे पौष्टिक आहार आप ज़्यादा खिलाएं जी। बच्चे, गर्भवती महिला या बड़े बुजुर्ग जी? रिवान, अरे बेटा इधर आओ, क्या बैठ, कितनी उम्र है इसकी? ये 5 साल का है। अच्छा तो क्या इस इसको भी डॉक्टर ने दवाई शुरू करवाई थी आप जब लेने गए थे तब? हाँ डॉक्टर ने बोला तो था, पर उसको कोई बीमारी नहीं थी तो फिर दवाई के लिए की क्या जरूरत थी? क्षय एक ऐसा रोग है जो फैल सकता है, जब खांसी खाता है आयुष तब उसके खांसी में से जो सारे भी क्षय के बैक्टीरिया हैं वो किसी को भी किसी के भी सांस में जा सकते हैं अंदर, और उसको भी क्षय हो सकता है, तो इसलिए हमें, बेटा क्या नाम है आपका? रिवान। हाँ तो इसलिए रिवान को क्षय से बचाने के लिए उसे भी दवाई देनी ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको हमें ज़्यादा सुरक्षा देनी पड़ती है। ठीक है तो अब जिसे रिवान दवाई लोगे ना? परिवार और दवाओं का होगा साथ, NTEP पकड़ेगा तुम्हारा हाथ, अब होगी बस एक ही बात, TB को देंगे हम मात। ये संदेश अब सब तक पहुंचाना है, पीड़ित लोगों को अब ना घबराना है, सरकारी हॉस्पिटल का काम अब सराहना है, हाँ हमें TB को अब मार भगाना है।